यही तो है तेरा दूसरा। हटे कोमड़ी। क्या यार? सोचा कि जाते जाते तुम्हें राम राम कह दूं, ओके? अगली पिक्चर में देख लूंगा इसे। चलो अब राम, अब तक गुस्सा मुझसे? और नहीं तो क्या, अपने बॉयफ्रेंड को गुंडों से पिटवाने वाली तुम पहली गर्लफ्रेंड होगी। हाँ, जैसे मैं तुम्हारी तलाश कर रही थी वो भी तुम्हारी तलाश में था। हमारे बीच ये एग्रीमेंट हुआ था कि जो तुम्हें पहले ढूंढेगा वो दूसरे को बताएगा। एग्रीमेंट कह रही है जैसे कोई बिजनेस डील हो, बेवकूफ लड़की। मुझे लगा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर मामला कुछ और ही निकला। वैसे ये देसी क्या होती है? अब इस बेवकूफ को ये भी समझाओ मैं तुम्हारा हॉस्टल आ गया, उतरो। जरा संभल कर जाना, कहीं कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो। प्रॉब्लम को तो उतार दिया, अब क्या प्रॉब्लम हो गया? राम, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। बताऊँ क्या? I love you. ये थी जरूरी बात? देखो, लफंगों को फोन करना बंद करो और जिंदगी में संभल जाओ। बहुत देर हो चुकी है, जाओ सो जाओ। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बुरा कहाँ जाएगा? साले, अपने आप को सच्ची में भगवान राम समझ लिया का? हमसे छुपता फिर रहा था डरपोक कहीं का। डरपोक किसे कह रहा है? एक बार हाथ लगा के तो देख, औकात पता चल जाएगी। बस एक चुटकी बजा दूं तो देख, आधे मिनट में मेरे लड़के तेरी हड्डी पसली तोड़ के तुझे कहीं फेंक देंगे। चाहे तो अपनी पूरी फौज ले आ, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शेर हूँ मैं शेर, तेरी तरह गीदड़ नहीं हूँ। इस पूरे शहर को अपने मुट्ठे में रखने वाले इस जग्गू दादा को धमकी दे रहा है। आखिर किस बात पर इतना उछल रहा है बे? हाँ, हाथ में बंदूक और चार लौंडों को लेकर घूम रहा है तो क्या अपने आप को दादा समझ रहा है? लगता है किसी शेर से सामना नहीं हुआ आज तक। चल, आज तेरी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। अच्छा, तू अपने आप को शेर समझता है? हाँ, शेर का शिकार करने वाला शिकारी है ये जग्गू दादा, बता दो इसे। पिछले महीने का कि इस महीने का? अरे सब बता इसे। पिछले महीने 20 को, इस महीने 30 को टपका है। हाथ पैर तोड़े उनकी तो गिनती नहीं है। तुझे मिला के गिनती 31 की हो जाएगी।
पता होता कि जिन करोड़ों की रक्षा हम कर रहे हैं उनमें से तुम जैसे कुछ बदमाश भी हैं, तो पहले तुम ही लोगों का सफाया करता। वैसे अब भी कोई देर नहीं हुई है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। अब रास्ते का कचरा साफ करूं या समाज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज तुम्हारी सफाई और धुलाई मेरे हाथों लिखी है। जाओ रे! आजा कमीने, आज ये जग्गू दादा तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है, छोड़ूंगा नहीं। ये जग्गू दादा तुझ पर कहर बनकर बरसेगा। क्या हुआ रे, डर गया का? आना, आजा। एक गन से डरा रहा है का? ए चूजे, इस गन को चलाने के लिए हमारी तरह जिगर होना चाहिए। जिगर चला, गोली चला, चला ना, एक बाप की औलाद है तो चला गोली। हेलो जग्गू, राम का काम तमाम हो गया क्या? फोन वाले का ही काम तमाम हो गया। क्या बकवास कर रहे हो, कौन बात कर रहा है? ये हादसा कब हुआ? यही कोई रात के 2:30 बजे, इसके बाकी के साथी भाग गए। देखिए, पुलिस अपनी छानबीन कर रही है और जल्दी ही आपको इत्तला कर दिया जाएगा। तब तक आपसे गुजारिश है कि कोऑपरेट करें। कुमार, जिस पर भी शक हो उसे हिरासत में लो और पूछताछ करो। फौरन पता करो कि जयराज का कातिल आखिर कौन है। मुझे 24 घंटे के अंदर नतीजा चाहिए। ये क्या लगा रखा है सर? आपने तो कहा था कुछ बात करनी है, लेकिन यहाँ तो हमारी जबान में इसे ही बात कर रहा कहते हैं। क्यों मार रहे हो हमारे पट्टो को? बताते हैं क्यों मार रहे हैं? जवाब चाहिए, जग्गू को किसने मारा? जल्दी बता। खोल। ए कुमार, कुछ बका उन लोगों ने? सर, सारे हथकंडे अपना लिए हमने, ये मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। कुमार, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। जग्गू की लाश मिले 12 घंटे हो गए हैं, मुझे भी तो ऊपर जवाब देना पड़ता है ना। ठीक है, बुला उन सबको यहाँ। ओके सर। जग्गू का कत्ल किसने किया? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं उस वक्त शहर में नहीं था। कहाँ मर गया था? मेरी शादी थी साहब। खुद का तो कोई आता पता नहीं और शादी करने चले हैं, बेवकूफ कहीं कहला। कल ही तो हरिद्वार से लौटा हूँ, सोचा पाप धो के आ जाऊंगा, टेंशन से ही उठा लिया आपके लोगों ने बहुत मारा। खुद को तू बहुत बड़ा तोप समझता है? बाहर से जितना फैला हुआ है अंदर से खोखला है। तेरा क्या है? जी साहब। भौंकना। क्या बोलूं साहब? जग्गू दादा का कत्ल किसने किया? ये जग्गू दादा कौन है साहब? जग्गू दादा को नहीं जानता तू? तुझे भी वहां पहुंचा दूंगा।
बता जग्गू का कत्ल किसने किया? क्या कहा भाई? नहीं रे भाई, हमें छोड़ के चले गए, अब हमारा कौन सा रहा होगा? मुझे देखा भी कितना ड्रामेबाज है ये सर। चुप, मैं जानता हूँ साहब। तो बता, श्री कृष्णा ने मारा? श्री कृष्णा? हाँ सर, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि जो बहुत ज्यादा पाप करते हैं ना, उन्हें भगवान स्वयं आकर सजा देते हैं। मुझे पक्का यकीन है ये भगवान श्री कृष्ण का काम है। बकवास कर रहा है। भाई को किसी ने गोली से उड़ा दिया। किसने? भाई को किसी ने गोली से उड़ा दिया। वो तो दुनिया जानती है, लेकिन गोली किसने मारी? भाई को किसी ने गोली से उड़ा। अबे तू क्या एक ही बात दोहराते जा रहा है? कल से यही बकवास कर रहा है। गोली से उड़ा दिया। लगता है कल जब जग्गू दादा का खून हुआ तो ये वहीं पर मौजूद था, इसलिए कल से ये ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। मतलब तुझको पता है कि खून किसने किया? तो जल्दी बता उसका नाम क्या है। पक्का तो नहीं है, पर कल से सब यही बातें कर रहे हैं साहब कि ये काम लोटिया दादा का हो सकता है। लोटिया दादा? भाई लगता है मार्च पास्ट के लिए मैदान कम पड़ गया जो यहाँ आ गए। अरे आओ भाई एसीपी, ये लोग तो कबड्डी में बहुत ही कच्चे हैं। चलो तुम्हारे साथ एक राउंड। अच्छा, हो जाए। कबड्डी खेलने का बहुत शौक है तुझे, तेरी वजह से शहर की हालत खराब है और तू यहाँ कबड्डी का मजा ले रहा है। इधर सुन बे ब्लेड, मैं कबड्डी यहाँ खेल रहा हूँ और हंगामा शहर में हो रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम कोई ट्रैफिक थोड़ी ना ब्लॉक कर रहे हैं। बोल मत ज्यादा, मैं उस कबड्डी की बात कर रहा हूँ जो जग्गू के साथ कल रात खेली, समझ गया? आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? जल्दी बता जग्गू को क्यों मारा? ये क्या कह रहा है इंस्पेक्टर? तूने क्या सोचा था उसे मार कर कबड्डी खेलेगा और हम पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चलेगा? ठीक कह रहा तू, जग्गू को मौत के घाट मैंने ही उतारा, क्या करेगा बोल। अबे खून में इतनी गर्मी है तो बाहर जाके दंगल करना? अपने शहर में दंगल करके शहर का माहौल क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग? करे एसीपी, मुझसे डर? मैं हर इंसान की आंखों में खौफ देखना चाहता हूँ। मेरा नाम सुनते ही शहर का हर इंसान कांपना चाहिए, समझा क्या? इसीलिए मार डाला उसे। ए, लगाओ हाथ करियो, डाल दो सलाखों में। सर ऐसे कैसे उठा ले, कोई ठोस सबूत भी तो चाहिए और इसे ले जाने के लिए हमें फोर्स भी तो चाहिए। क्यों इंस्पेक्टर, लगता है फट गई तेरी कान में काहे फुसफुसा रहा है। तेरे पास 2 दिन की मोहलत है, चुपचाप आकर थाने में सरेंडर कर दे, वरना तुझ जैसे गुंडों को लाइन पे लाना मुझे बखूबी आता है। एनकाउंटर इस शब्द का मतलब तो जानता है ना तू? ये चल जा, निकल, काम कर तू अपना। आ जा, निकल, निकल जा। समझ जा। मुझे धमकी दे रहा था। लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं आई, हम कल पूरे दिन पूरी रात साथ में ही थे, तो फिर ये जग्गू को कब मारा? मैंने थोड़ी मारा उसे, इसे बस शक हुआ और मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी और क्या। अब सुन, जो चल रहा है वो चलने दे, किसी से कुछ बोलने का नहीं, जो चल रहा चलने दे। कबाटे जाके सबको बोल दे इस शहर का बेताज बादशाह मैं हूँ, अब जाके बोल दे सब सेठ लोग को, जाके खबर दे दे ये आके मिले मुझसे। सुनो छोकरे लोग, अभी तुम लोग को मालूम पड़ ही गया होगा कि मैंने एक ताजा ताजा खून किया है, इसलिए शहर का बादशाह अब मैं हूँ। ये तो हम जानते हैं भाई जी, आज तक हम जग्गू दादा को हफ्ता देते थे पर अब आपको देंगे, आपका हक जो है, क्या बोलते भाई लोगो? ठीक है, चिल्लाओ मत यार। अभी सुनो, मेरी तरफ से तुम लोग को पूरा सपोर्ट मिलेगा, किसी बात की फिक्र मत करना, ये पुलिस और कमिश्नर सब अपने ही है। ठीक है भाई। ए, कोई लेडी मुझे भाई बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है यार। क्या बोले यार? अच्छा भाई जी, राम राम। अच्छा भाई जी, राम राम। खतरनाक है भाई। हेलो मंत्री जी, आप देते हैं अभी देते हैं। एक मिनट, दिल्ली से पांडे जी का फोन है। हाँ पांडे जी, क्या हाल चाल, कैसे आज इस गरीब को याद कर लिया? हे, लगता है तेरे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, आजकल बहुत ज्यादा उड़ रहा है तू, क्यों मारा जग्गू को? अरे पांडे जी, आप ही ने तो कहा था ना कि जो लोग बुढ़े हो जाते हैं उनका राजनीति में क्या काम, और बस मैं उसे यही तो समझा रहा था कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, तू ये काम छोड़ और कम्बल ओढ़ के सो जाना, लेकिन उसने बात सुनी कहाँ, तो क्या करे, उसे बात सुनानी पड़ी। ओ तू बड़े बड़े फैसले करने लगा, एक बात बता, जो काम मैंने उसे करने के लिए दिया था अब उसे पूरा कौन करेगा, तेरा बाप आके करेगा क्या? पांडे जी वो क्या है कि वो जो भी काम अधूरा छोड़ कर गया है अब उसे पूरा और कौन करेगा, मैं ही करूँगा ना, बस अब आप हुकुम कीजिए क्या करना है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक गया तो दूसरा उसकी कुर्सी में लपक के बैठ गया। कान खोल कर सुन लोटिया, मैंने जग्गू को एक फोटो भेजी थी पर वो खुद ही फोटो बन गया,
अपना ध्यान रखना, कहीं तू भी फोटो बन जाए। मेरी फोटो खींचने वाला कोई कैमरा नहीं बना अब तक, सही बोला ना रे? सही कह रहे हो भाई। सुन लिया ना आपने? बुझने से पहले दिया बहुत फड़फड़ाता है, इसका भी वही हाल होगा। काम कर काम।